सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है। वीडियो में दिख रहा है कि एक व्यक्ति लोगों के हाथ में बंधे हुए धागे काट रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह व्यक्ति समाजवादी पार्टी के नेता शिवशंकर यादव हैं और वो हिंदुओं को मंदिर जाने से रोक रहे हैं। यह वीडियो ऐसे समय में शेयर किया जा रहा है जब सभी राजनीतिक पार्टियां उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। यह वीडियो फेसबुक और ट्विटर पर वायरल है। वीडियो की असलियत जानने के लिए ऑल्ट न्यूज ने फेसबुक पर कीवर्ड सर्च किया। फेसबुक पर यह वीडियो 30 नवंबर 2020 को पोस्ट किया गया मिला। पोस्ट के मुताबिक शूद्र शिवशंकर सिंह यादव ने अंधविश्वास और पाखंड में विश्वास करने वाले कुछ यादव समुदाय के लोगों को जागृत किया था। इस फेसबुक पोस्ट में दी गई जानकारी के अनुसार गांव बढ़रा नंदगंज जिला गाजीपुर की एक घटना थी। इस पूरे मामले को समझने के लिए ऑल्ट न्यूज ने शिवशंकर यादव से बात की। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर किया जा रहा दावा फर्जी है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 5 सालों से सोशल मीडिया पर वो गर्व से कहो हम शूद्र हैं नाम का एक मिशन चला रहे हैं। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने नाम के आगे शूद्र भी जोड़ा हुआ है। शिवशंकर यादव के अनुसार वो एक रिटायर्ड गवर्नमेंट अफसर हैं जो अंधश्रद्धा और पाखंड के खिलाफ अपनी मुहिम के तहत लोगों का कलावा काट रहे हैं और ये लोगों की इच्छा के बाद ही कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टी से जुड़ाव के बारे में उन्होंने कहा कि उनका किसी भी धार्मिक संस्था या किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है और जो दावा किया जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी के हैं वो भी गलत है। शिवशंकर यादव ने वीडियो के वायरल होने और उनका नाम राजनीतिक पार्टी से जोड़े जाने के बाद पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई थी। अपने शिकायत पत्र की कॉपी उन्होंने ऑल्ट न्यूज को भेजी। शिकायत पत्र में उन्होंने लिखा है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं और ये मिशन किसी भी राजनीतिक पार्टी या किसी धर्म से ताल्लुक नहीं रखता है। इसके अलावा हमने खोजा तो मालूम पड़ा कि समाजवादी पार्टी से शिवशंकर यादव नाम के एक नेता हैं, लेकिन उनका इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। कुल मिलाकर एक शख्स के लोगों के कलावा काटने के वीडियो को सोशल मीडिया पर यह कहकर शेयर किया गया कि समाजवादी पार्टी से जुड़ा नेता लोगों के कलावा काट रहा है और उन्हें मंदिर न जाने की कसम भी दे रहा है, जबकि वीडियो में दिख रहा शख्स खुद को गैर राजनीतिक बताता है और अंधविश्वास के खिलाफ काम करने का दावा कर रहा है।